अब जैसे ये देखो एक्सरसाइज से कंप्लीट करा दिया, मैं एग्जांपल कराऊंगा। जैसे लास्ट एग्जांपल है 11 वाला, देखो सुन लो। एग्जांपल 11 में कह रहा है अगेन वर्ड की लिस्ट बनाई जा रही है बच्चों, है ना। अगेन वर्ड, अगेन से कितने वर्ड बनेंगे? अगेन में आ रहा है बेटा ए दो बार, जी वन, आई वन और एन वन, तो टोटल 5 लेटर हो गए। इससे पार्ट बनेंगे 5 फैक्टर डिवाइड बाय इंटीजर, यानी कि 120 अपॉन टू 60 लेटर बनेंगे बेटा। तो 60 लेटर बनेंगे और उनको डिक्शनरी में लिखा जाएगा। तो मुझे 50वां वर्ड बताओ, पहली बार पूछ रहा बेटा, पूछ रहा है। अब देखो मुझे 50वां वर्ड क्या होगा, कोई बात नहीं। तो देखो हम बेसिकली सबसे पहले बनाएंगे ए वाले लिखेंगे, बाकी चार अरेंज कर देंगे इतने लाइन से। ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं, जी है। तो जी लिखेंगे हम, बाकी कितने रेंज होंगे? चार, कितने लाइन से डिवाइड बाई टू, क्योंकि हम ए दो बार आ रहा है, ए क्या आ रहा है दो बार। तो कितने लेटर हो गए? 36 में भी हो और 50 तक पहुंचना है ना। अब जी क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई लेंगे फिर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर 12, 48 तक गाड़ी मांगी दो बेटा है सबको समझ में। हमें 50 वर्ड चाहिए, है ना। आई जे के एल एम एन वाले आएंगे, एन आएगा फिर दोनों ए आएंगे फिर जी आएगा फिर आई आएगा, ये कौन सा वर्ड हो गया? 49 नंबर का वर्ड हो गया। फिर एन आएगा, दोनों ए आएंगे, दोनों जवाब बदल देंगे, ये कौन सा नंबर का वर्ड हो गया? 50 वर्ड हो गया। तो बेसिकली 50वां वर्ड ये होगा हमारे पास। बात समझ में आ गई? बताओ भाई। यस सर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ध्यान से समझो, क्या डिसीजन तो लिखो, सबसे पहले ए वाले लिखो कि बेटा ए को फिक्स करके बाकी चार अरेंज कर दिए, फिर जी वाले आएंगे फिर अरेंज कर दिए, फिर आई वाले फिर अरेंज कर दिए, इन प्लस करते करते 48 लेटर होगा बेटा हमारे पास। अब 49 नंबर पे स्टार्ट किससे करोगे? एन से करोगे, फिर ए फिर जी फिर आई, 49 नंबर हो गया, फिर दोनों बदल देंगे, फिर 50 वर्ड हो गया। तो 50 वर्ड हमारे पास ये आ गया, एन डबल ए आई जी आर, सही बेटा। चलो जल्दी कॉपी करो। ऐसे ही एग्जाम्पल 10 है बुक में, इफ द डिफरेंट वर्ड फॉर्म्ड बाय ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से अरेंजमेंट बनाया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन में ई आ रहा है 1 टाइम, एस 1 टाइम, ए 2 टाइम्स, M one time, I two times, N two times, E one times, O one times. ठीक है बेटा, कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार हो गए। ठीक है, अब 11 लेटर में क्या कह रहा है? How many words are there in the list before the first word starting with E? अगर तुम डिक्शनरी बनाओगे एग्जामिनेशन की, सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे? ए, ए के बाद कौन आएगा? बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई तो है। यदि ई से पहले होगा तो फिर कौन से होंगे? ए वाले, है ना। तो कह रहा कोई वर्ड आपको बताने हैं जो ई से है ना पहले, बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो ई से ई ए को निकाल दें, 11 में से दो ए निकाल दें, कितने लेटर बचे? 9। तो दोनों ये तो सिंगल लेटर हो जाएंगे, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट का आई पावर एन का 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द डिक्शनरी बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से पहले जब आएंगे तो कितने लेटर हो चुके होंगे, वो कौन से होंगे हमारे? ए वाले, वो ये होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, तो बाकी सारे लेटर अगर खाली ले जाएंगे, ठीक है। इससे मेरे को मतलब है ये स्टार्टिंग रखा है, इनको स्टार्टिंग करके बाकी लेटर के प्रति आपको अरेंज करना है। ठीक भाई, नोट करिए, समझ लिया ध्यान से? खुशी बाबा परिमा? यस सर। यस सर। अब जैसे कोई एग्जांपल लाइन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी, M I डबल S I डबल S I डबल P I, मिसिसिपी।
ठीक है ना भाई। तो इसमें देखो m आ गया हमारे पास 1 टाइम i, 4 टाइम s, 4 टाइम p, 2 टाइम 11 लेटर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस 11 लेटर है। तो क्या रहेगी, कितने लेटर बनेंगे जिसमें कि चारों i एक साथ ना आए, द फोर i डू नॉट कम टुगेदर। तो बेटा डू नॉट कम टुगेदर का एक ही लॉजिक है, डू नॉट कम टुगेदर का एक लॉजिक है बेटा क्या, टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल कितने लेटर है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 ये तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 4 2 माइनस। अब हमने i को हटाना है तो 11 में से 4 i हटा देंगे कितने लेटर हो जाएंगे, 7 सही है, तो 7 फैक्टोरियल ठीक है ना बोलो डिवाइड बाय क्या, लेकिन सबको मिला के 1 मानेंगे ना सर, 8 फैक्टोरियल होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी किसका आएगा s का और p का इनटू वो चार y आपस में लेंगे होंगे कितने आए थे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल सही है, इसे ब्रेड से डिवाइड करा जाएगा और सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है भाई। यस बहुत जल्दी कॉपी करिएगा, एक बड़ा क्वेश्चन कराना है मुझे इसके बाद। एग्जाम्पल ए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज, परम्यूटेशन बेटा पी वन टाइम, ई वन टाइम, आर वन टाइम, M one times, U one times, T two times, A one times, I one times, O one times, N first time, S one time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 8 letter है, ठीक है भाई 12 letter है sorry। अब क्या कह रहा है वो, first part कह रहा है there is no restriction, यानी 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 बोलो 2 फैक्टोरियल ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके करने का सॉल्व। सेकंड पार्ट p कम्स बिफोर s, ऐसे कितने अरेंजमेंट है जिनपे p s से पहले आ रहा है, तो टोटल ये वाला अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 और करेंगे ये आंसर आ जाएगा। पूछो क्यों करा दूसरे डिवाइड, भावना क्यों करा दूसरे डिवाइड, जल्दी बताओ भावना। यस सर। क्यों करा दूसरे भाई? यस सर। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? सेकंड पार्ट क्या है? P comes before S पढ़ लिया ना? यस सर। पढ़ लिया? तो मैंने कहा जब ऐसे केस में आप दूसरे भाई कर दो, जब P ऐसे पहले आता है। भावना क्यों करा दूसरे भाई बताओ? सर वो पहले आता है इसलिए। ना ना। क्यों करा सॉरी बोलो, काजल आवे कर गर्म नहीं है बात में बोल क्यों नहीं रहा, ये कपड़ा लगाओ उसके काम पे। चलो कोई बात नहीं, हाँ ये तो सुबह को भी सोता रहेगा बेटा, 6 बजे 7 बजे शाम को भी सुबह सो जाएगा, कुछ काम ही सोने के अलावा नहीं सर सो नहीं रहा ना, कुछ नहीं कुछ सो ले बेटा कोई बात नहीं, सब अपने बच्चे मन की कर दो बच्चों, हमें भगवान ने बोला था दिन हमारे के आएंगे लौट के नहीं जुन्ना, हाँ तो बताओ कर उसे डिवाइड क्यों करा हमने, गवर्नमेंट समझ में आई है बात? नो सर। तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? गर्व का समझ में आई, किसका सहारा लेना पड़ेगा? इसे निकाल के बाहर डालो पास।
नहीं लगा पता नहीं पता नहीं लो बाप ने किसका सारा लेना पड़ेगा सब समझ में आया तो राम जी नास्तिक हो गया बेटा तो करो किसी काम का नहीं है थोड़ा पूजा पाठ बिल्कुल नास्तिक हो गया है भगवान की याद नहीं आ रही तुझे डर ही नहीं रहा भगवान से भी हाँ तो राम जी जब अरेंजमेंट बनाएंगे तो AMR AIM MAR MRE RAM और RLA ये टोटल छह लेटर बनेगी खुशी बोलो खुशी बनेगी नहीं बनेगी यस सर अब खुशी बताओ इन हाउ मेनी वे खुशी जांच करना इन हाउ मेनी वे आर कम्स बिफोर एम आर एम से पहले आता है ऐसे कितने तरीके से बताओ कितने ऐसे सर फोर अबे यार खुशी ऐसी बात कर रही आर एम से पहले वन टू और थ्री और कौन सा बताओ बेटा नो सर है ना तो थ्री है बेटा तो देखो सिक्स का जस्ट हाफ यानी जितने अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका हाफ नहीं समझ रहे मेरी बात केमन समझ रहे हो यस सर हाँ तो इसीलिए हमने क्या करा टोटल जितने अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका हाफ कर दिया क्योंकि इसने एक्सट्रीम पेमेंट नहीं पूछा है पी का बिफोर है ये पूछा है अगर ये आपसे पूछता इन हाउ मेनी वे यू कम बिफोर ओ तो बेटा पता क्या करते एमएस केस में बोलो सो उसमें तो टू से डिवाइड कर देते नहीं बेटा उसके लिए तो डू योरसेल्फ सिर्फ बेटा वैसे तो आप सही कह रहे हो कि आपने उससे ज्यादा जो कहा कि ये भी इसके पहले आया ये सिर्फ एक्सट्रीम लेटरिंग है बेटा टू से डिवाइड करने का सिस्टम सिर्फ किसके लिए बेटा ये एक्सट्रीम हाँ बीच के लेटर के कार्य नहीं पता क्या होगा क्योंकि बेटा एक बड़ी सीधी सी बात है अगर एक कॉर्नर वाले लेटर ले रहे बेटा इनका हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो जितने लेटर पीछे से होंगे ना आगे में आगे ऐसे से होंगे देखो आगे देखो ध्यान देखो आर तो आए नहीं आ रहे बेटा आर तो बिफोर है पीछे में बाकी तीन में बिफोर आ रहा है आ रहे नहीं आ रहा बताओ ठीक है तो एक छोटा एग्जाम्पल लेके मैंने ये बात बताने की कोशिश की जी क्लियर बच्चों बात समझ में आ गई यस सर यस सर यस सर बड़ी जल्दी आवाज आ तो इस तरीके से अभी दो ही पार्ट करा रहा हूं उसके बाकी पार्ट में कल डिस्कस करूंगा भी आपको साथ ठीक है ना आज आप मैं ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क कर लो और पीएनजी को दिमाग से थोड़ा सही चला लो कल पीएनजी का चैप्टर उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा पूरा ये छोटा चैप्टर है आगे कुछ ज्यादा नहीं करना है जिसका जो आप अली का सिलेबस बता देना उसको पूरा करा दें ठीक है स्टूडेंट्स ओके ओके सर यस सर ठीक है बेटा यस सर ठीक थैंक यू सर